आज हम शुरू करने वाले हैं बॉडमास, BODMAS, बॉडमास। बॉडमास क्या होता? बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर ऑफ, डी फॉर डिवीजन, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, ए फॉर एडिशन, एस फॉर सब्ट्रैक्शन। हम कैसे हैं हमारा, हमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बी फॉर, हम कहते हैं बी फॉर ब्रैकेट, बिफोर ब्रैकेट। और ब्रैकेट भी तीन टाइप के होते हैं, ठीक है। एक होता है स्मॉल ब्रैकेट, ये है होता है स्मॉल ब्रैकेट, ये होता है कर्ली ब्रैकेट, और एक होता है बिग ब्रैकेट, ये सॉरी स्मॉल ब्रैकेट, ये कर्ली ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, ये स्मॉल ब्रैकेट है, ये कर्ली ब्रैकेट है, और ये बिग ब्रैकेट है, ठीक है। ब्रैकेट कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं, स्मॉल ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट और बिग ब्रैकेट, ठीक है। ऑफ फॉर होता है मल्टीप्लीके, ऑफ और ऑफ मीन मल्टीप्लाई, इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई, ठीक है। डी फॉर डिवीजन, डी फॉर डिवीजन, डिवाइड जिसको हम कहते हैं, और एम फॉर मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन, और ए फॉर एडिशन, और एस फॉर सब्ट्रैक्शन, ठीक है। हमने कहा बॉडमास, हमारे पास क्या आना चाहिए? अगर हमारे पास पहले ब्रैकेट होगा, फिर ऑफ होगा, फिर डिवीजन होगा, फिर मल्टीप्लिकेशन हो, फिर ए से एडिशन, अगर हमारे पास सब कुछ है क्वेश्चन में, बाय द वे क्वेश्चन में हमारे, जैसे हम पहला क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है, तो हमारे पास ब्रैकेट भी तीन तरह के होते हैं, पहले स्मॉल ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट और बिग ब्रैकेट। अब हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं आपके लिए, पहला एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, हमारे पास क्वेश्चन है 16-8 डिवाइडेड बाय 2+3। अब हमें देखना है बॉडमास के अनुसार कि सबसे पहले क्या आ रहा है, ब्रैकेट, लेकिन हमारे पास कोई ब्रैकेट नहीं है। उसके बाद क्या, ऑफ, ऑफ हम कहते हैं जैसे 2 × 4, तो ये ऑफ, ये मैं एक ब्रैकेट है, एक ब्रैकेट बाहर, तो इसको बोलते ऑफ, ये मल्टीप्लाई होते हैं आपस में, ठीक है, ये ऑफ है। तीसरा हम क्या देखते हैं, डिवीजन, हाँ बिल्कुल हमारे पास डिवीजन है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, डिवीजन इसको हम ऐसे करेंगे, अगर इसका इससे डिवाइड करोगे आप, 2 का डिवाइड अगर हम 8 से करेंगे, 2 × 4 = 8, तो हमारा कितना आ रहा, 4, आंसर कितना आ रहा, 4। अब हमारा डिवीजन हो गया, तो +3 ऐसे ही लिखना है आपको, ठीक है। फिर हमने देखा मल्टीप्लीकेशन, लेकिन हमारे पास मल्टीप्लाई नहीं है, मल्टीप्लीकेशन है नहीं, ठीक है, तो हमें क्या करना, एडिशन देख, क्या है एडिशन, तो एडिशन, ये एडिशन है, तो ये और ये प्लस होगा, ये माइनस प्लस माइनस, ठीक है, तो एडिशन माइनस प्लस क्या होगा, माइनस होगा, अगर आप -4 हो तो -1 आ जाएगा, ठीक है। और लास्ट में क्या करना, सब्ट्रैक्शन करना, क्या करना लास्ट में, सब्ट्रैक्शन, तो आप सबने 16 में से 1 गया, तो बड़े के आगे प्लस है, तो कितना आ जाएगा, +15 आंसर, तो ये है आंसर, ठीक है। आपको समझ आ गएगा कि हम बॉडमास में क्या करते हैं, जब हमारे पास मल्टीप्लाई भी है, डिवाइड भी है, सब्ट्रैक्शन भी, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, ब्रैकेट खोलने पड़ते, फिर ऑफ, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और सब्ट्रैक्शन। चलो एक और एग्जांपल हम लेते हैं, हमारे पास एक और एग्जांपल हमने ले रखा है, 17 × 10 डिवाइडेड बाय 2। अभी एग्जांपल हमारे पास है, तो हमें क्या करना है, इसमें मल्टीप्लाई भी है और डिवीजन, तो सबसे पहले हमने बोला डिवीजन, क्योंकि हमारे पास ब्रैकेट है नहीं, ऑफ है नहीं, पर डिवीजन है, तो डिवीजन करेंगे हम, 2 से अगर हम 10 को डिवाइड करेंगे, तो 2 × 5 = 10, तो कितना आ जाएगा, 10 × 5 आ गया। अब इसको मल्टीप्लीकेशन, सेकंड पे हम मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं, तो 17 × 5 कितना होता है, 5 × 7 = 35, और 5 × 5 = 3 = 8, कितना आ जाएगा, 85, तो इस तरह हम कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हमारे पास अगर हमारे पास ब्रैकेट्स हैं, तो सब ब्रैकेट सॉल्व करते, ये इस तरह होंगे। थैंक यू।